नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। आइए रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की खास खबरों की ओर। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने बयानों के चलते लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। पीएम मोदी की भगवान राम से तुलना करने के बाद अब उन्होंने फटी जींस पहनने वाली महिलाओं को लेकर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी महिलाएं अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगी। सीएम रावत देहरादून में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने एक वाकया सुनाते हुए कहा कि मैं एक दिन हवाई जहाज से जयपुर जा रहा था, मेरे बगल में एक बहन जी बैठी थी, मैंने उनकी तरफ देखा, नीचे बूट थे, जब और ऊपर देखा तो जीन्स घुटने तक फटी हुई थी, दो बच्चे उनके साथ में थे। महिला एनजीओ चलाती हैं, समाज के बीच में जाती हैं, क्या संस्कार देंगी। बता दें कि बीते 10 मार्च को ही तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए सीएम बनाए गए थे। उसके बाद उनका कुंभ में श्रद्धालुओं पर रोक टोक न करने को लेकर लिया गया फैसला भी चर्चा में रहा था। मैं किसी कार्यक्रम में था, अगले दिन करवा चौथ था और जब मैं जहाज में बैठा तो अगले दिन मेरे साथ दो तीन जब लोग थे, मैं एक पार्टी के कार्यक्रम से गया था, मैं राष्ट्रीय सचिव था, तो मानो सब ने एक दो मेरे साथ जो दिल्ली से थे बोला करवा चौथ है, जाना तो है, साल भर नाराज रखते हैं तो एक दिन तो खुश रखना है, तो इसलिए भैया ये दिन जाना है। हमने कहा भी चलो भाई, तो हमने बेटी को, लेकिन जहाज में जब बैठा था तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, बाबा के बगल में बैठी है, लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो लालकुआ निकटवर्ती क्षेत्र मोटा हल्दू के ग्राम पदमपुर देवलिया में तराई केंद्रीय विपणन विभाग की प्रभागीय अधिकारी अभिलाषा सिंह के निर्देश पर वन क्षेत्राधिकारी उमेश चंद्र आर्य ने 7.5 मीटर के दायरे में लगी सोलर फेंसिंग तार और सोलर लाइट का शुभारंभ किया। इस दौरान मौजूद लोगों ने वन विभाग का आभार व्यक्त किया। यहाँ निकटवर्ती क्षेत्र मोटा हल्दू के पदमपुर देवलिया में हाथी एवं अन्य जीवों के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने वन विभाग व क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद्र दुमका से पूर्व में आवश्यक कदम उठाए जाने की मांग रखी थी, जिसे भीड़ता से लेते हुए विधायक नवीन चंद्र दुमका ने भी वन विभाग से सुरक्षा के इंतजाम करने की बात कही थी, जिस पर आज तराई केंद्रीय वन प्रभाग की प्रभागीय वन अधिकारी अभिलाषा सिंह के निर्देश पर आज वन क्षेत्राधिकारी उमेश चंद्र आर्य ने मोटा हल्दू क्षेत्र के ग्राम पदमपुर देवलिया में 7.5 मीटर में लगी सोलर फेंसिंग बार व सोलर लाइट का उद्घाटन किया। इस मौके पर वन क्षेत्राधिकारी उमेश चंद्र आर्य ने कहा कि यहां सोलर फेंसिंग तार हाथी व अन्य वन जीवों को रोकने के लिए कारगर साबित होंगे तथा जानवरों से फसलों को होते नुकसान को भी रोकेंगे। उन्होंने कहा कि सोलर फेंसिंग तार लगभग 8 किलोमीटर के दायरे में लगाए गए हैं, जिसके लिए काम चल रहा है जो जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। अभी तक लगभग हमने मानव वन्यजीव सुरक्षा के लिए लगभग 8.5 किलोमीटर खाई का भी रिन्यूअल कर दिया है और लगभग 8-9 किलोमीटर के आसपास हमने टेंटिकल सोलर फेंसिंग का नव निर्माण किया गया है, जिससे काफ़ी हद तक रोकथाम हुई है और आगे को भी जो क्षेत्र हमारा बचा हुआ है उसमें भी टेंटिकल सोलर फेंसिंग की कार्रवाई की जाएगी, उपलब्ध होगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ के जो डेफो मैडम है अभिलाषा सिंह और रेंजर महोदय फॉरेस्ट विभाग का धन्यवाद अदा करता हूँ, क्योंकि हम लोग, हमारी आत्मा जानती है, जो किसान भाई है इनकी आत्मा जानती है, हम लोग रात भर जो है यहाँ पर सो नहीं पाते थे और जो है रात भर हाथी भगाने में रह जाते थे और आज उम्मीद करते हैं कि शायद अब चैन की नींद हम सो पाएंगे। गर्मी का सीजन बढ़ते ही जल संस्थान के लिए दिन प्रतिदिन चुनौती भी बढ़ती जा रही है। हल्द्वानी शहर की प्यास बुझाने वाली गौला नदी में पानी की उपलब्धता को लेकर भारी कमी आई है। इस बार मई में पानी को लेकर शहर में हाहाकार मच सकता है। अब महज गौला नदी में 68 क्यूसेक पानी ही बचा है। पिछले 10 सालों में भी गौला नदी का जलस्तर कभी भी इतना नहीं गिरा, जबकि हल्द्वानी में रोजाना पीने के लिए 30 क्यूसेक और सिंचाई के लिए 47 क्यूसेक पानी की जरूरत होती है। लिहाजा जल संस्थान के अधिकारी इसे किसी चुनौती से कम नहीं मान रहे। उनका कहना है कि इस बार ना बरसात हुई ना ही बर्फबारी और जल स्तर लगातार कम हो रहा है, लेकिन जल संस्थान पेयजल आपूर्ति बाधित ना हो इसके लिए ट्यूबवेल पर विशेष फोकस कर रहा है और गर्मी के सीजन में ट्यूबवेल को मोटर ना फूके इसके लिए भी अभी से कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिससे कि गर्मी में शहर के लोगों को पेयजल की किल्लत से जूझना ना पड़े, जबकि अभी भी शहर के कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत देखी जा रही है। इस बार जो शीतकालीन वर्षा है वो बहुत ही कम हुई है, इस वजह से इसका ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव या वाटर लेवल का प्रभाव या जो गोली नदी का प्रभाव है का जो डिस्चार्ज है वो अभी से इतना कम हो गया है कि शायद अभी जानकारी मिली कि 77 क्यूसेक रह गया है अभी, तो ऐसी स्थिति में दिक्कतें कुछ आएंगी, लेकिन ट्यूबवेल्स तो काफ़ी बने हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे
कि ट्यूबवेल्स के थ्रू चीज़ों को मेंटेन किया जा सके और ट्यूबवेल्स में ब्रेकडाउन ना हो, इस चीज़ के लिए पूरी प्लानिंग की जा रही कि जितना हम ब्रेकडाउन को अवॉइड कर सकते हैं वो किया जाए, क्योंकि गोला पे पानी तो वहाँ नहीं बढ़ाया जा सकता, बट हम अपने इस ब्रेकडाउन को कम करके हम उसकी कोशिश करेंगे कि हम पानी लोगों को दे पाएँ समुचित मात्रा में गर्मी में। तीर्थ नगरी को भगवा रंग में रंगने के महापौर के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए शहर का संत समाज सड़कों पर उतर आया है। देवभूमि ऋषिकेश के संतों, महंतों और धर्माचार्यों ने नगर निगम से रैली निकालकर ऑरेंज सिटी के मामले में निगम मेयर को समर्थन देने का शंखनाद कर दिया है। तीर्थ नगरी को भगवा रंग में रंगने के महापौर के प्रयासों को भले ही कुछ भाजपा के पार्षदों का समर्थन ना मिला हो, लेकिन विभिन्न संस्थाओं के साथ शहर का संत समाज इस मुद्दे पर निगम की मेयर के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। निगम से लेकर शहर के तमाम बाजारों में भी इसका असर दिखा। जब देवभूमि ऋषिकेश को ऑरेंज सिटी भगवा रंग में रंगने की मांग को लेकर यहां का संत समाज अखिल भारतीय संत समिति के बैनर तले सड़कों पर उतर आया, इस दौरान जय श्री राम के गुंजायमान उद्घोषों से तीर्थ नगरी गूंजती नजर आई। नगर निगम से प्रस्ताव के समर्थन में संतों ने रैली निकाली और गंगा तट त्रिवेणी घाट पर मां गंगा की पूजा कर ऋषिकेश को भगवा रंग में रंगने के संकल्प के साथ यहाँ स्थित मंदिर को भी भगवा रंग में रंग दिया। ये संत महात्माओं की तपस्थली है और भगवा रंग एक आस्था का, धार्मिकता का और त्याग तपस्या का प्रतीक है। इसमें अभी कुछ महीनों पूर्व हमारे कुंभ शुरू होने से पहले एक बिश्नोई आश्रम में पूज्य संत समाजों के साथ में एक बैठक हुई थी। पूज्य संत समाज ने मुझे ये सुझाव दिया था कि ये कुंभ नगरी भी है और इस समय ये एक ऋषि मुनियों की तपस्थली भी है, साधु संतों की नगरी भी है, तो इसको हम जो कुंभ में जो रंग होगा इसको भगवा रंग में करेंगे और इसको ऋषिकेश को एक नारंगी शहर का हम इसमें नाम देंगे। तो जन समर्थन मिलेगा और सबसे पहले मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूँ जो इस भगवे रंग का विरोध कर रहे हैं, जो हरे रंग का समर्थन कर रहे हैं, उनको एक चेतावनी देना चाहता हूँ मैं। 70 साल से हरा रंग था ना तुम्हारा, अब भगवा होगा, केवल ऋषिकेश नहीं होगा, पूरा भारत होगा। और जो ये विरोध कर रहे हैं इसी पार्टी के लोग, ये अपनी राजनीति घर पर कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, उनको कह देना चाहता हूँ, अब ये प्रस्ताव अनीता मंगाई जी का नहीं था, ये प्रस्ताव संतों का है और संतों का विरोध करना बंद करो। और ये ऋषिकेश भी भगवा होगा, पूरा देश भगवा होगा। मैं पोस्ट पढ़ रहा था इसी पार्टी की, विरक्त वैष्णव मंडल की मांग थी कि ऋषिकेश ये धर्म नगरी है, योग नगरी है, पूरे विश्व के लोग यहाँ पर आते हैं, एक भगवा रंग होना चाहिए। तो हमारे माननीय महापौर ने हमारी मांग को स्वीकार किया है और जो लोग भटक गए हैं उनको हम ले आएंगे। राजधानी देहरादून के प्रेम नगर में 5 करोड़ रुपए की लागत से मिनी क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने प्रस्ताव को मॉडल के रूप में तैयार कर छावनी परिषद देहरादून को भेज दिया है। छावनी बोर्ड जल्द ही जमीन स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी करेगा। बीते जनवरी महीने में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेम नगर में नवनिर्मित अटल बहुउद्देशीय क्रीड़ा भवन का उद्घाटन किया था। इस मौके पर उन्होंने फिट इंडिया का जिक्र करते हुए प्रेम नगर में मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा की थी। सीएम की घोषणा को वरीयता देते हुए शासन में तेजी से इसका मॉडल तैयार किया गया। मॉडल में प्रेम नगर स्थित दशहरा ग्राउंड के एक हिस्से को मिनी स्टेडियम के लिए चुना गया है। इसमें वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस समेत अन्य कई खेल शामिल किए जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।